हाँ रहा रहा ऑन कर रहा है, थोड़ा बच्चे से पूछ रही है। अरे ऑन, हाँ ऑन है, ऑन है ना। हाँ ठीक है। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं हिंदेगिरी जंगल में फंस गया हूँ। बड़का गांव से 16 किलोमीटर दूर हिंदेगिरी है। 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है पूरा जंगल है, आसपास कुछ नहीं है। और ये स्कूल के बस का टायर पंचर हो गया है। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं, मेरी स्कूल के बच्चों को कैसा रहा सर एक्सपीरियंस, पंचर हो गया टायर तो होता है जंगल में। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और बच्चों को मैंने बताया है कि देखो पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि यदि कई बार हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो नाइट ट्रैकिंग होता है। हम लोग जब स्काउट में थे, एनसीसी में थे, तो नाइट ट्रैकिंग होता था जंगलों में। तो ये भाग्य से आज ऐसा मिल गया कि आपको नाइट में जंगल के बीचों बीच रुकना पड़ा है। बड़का गांव जैसा एरिया सर, बहुत सुनते आ रहे हैं बच्चों से हम लोग। जी जी, बहुत डेंजरस एरिया है। हाँ नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा होगा पास में जो गांव है, वहाँ के लोगों ने हम लोगों को किस तरह से सड़क तक छोड़ा था, और उसके बाद वहाँ के बच्चों ने कैसे गुड बाई बोला है, और बच्चों ने ताली बजाई है। हमारे भी बच्चों ने उनको हाथ हिला करके उनका अभिवादन किया, उनको थैंक यू बोला। देखिए किस तरह से स्कूल के बच्चे हैं हमारे साथ, परेशान हो रहे हैं। पहली बार उनके लिए एक्सपीरियंस है। इधर देखो, और देखो, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ऐसे जंगल में फंस गए? बोलिए। थक गए हैं भाई लोग, परेशान हो गए हैं। आइए इधर से, अंदर से, अंदर से। देखिए इधर मेरे पीछे पूरा जंगल है, और मैं कैमरा इधर आए तो पीछे से आप देख पाएंगे जो बस है स्कूल का। स्कूल के इस स्कूल में लगभग 50 से 60 बच्चे हैं बस में। हम लोग आए थे बरसों पानी का एक ट्रिप था। प्रिंसिपल आशुतोष सर हैं जो सिंदरी स्कूल के, डीएवी स्कूल के हैं, उनके साथ हम लोग आ रहे थे। लेकिन बीच में ये टायर पंचर हो गया, और जंगल के बीच में आसपास कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है एकदम। आपको मैं घुमा के दिखाता हूँ कैमरा, कुछ नहीं है, एकदम अंधेरा है और जंगल ही जंगल है। तो बच्चे पूरे डरे हुए भी हैं, और तो टायर पंचर हो गया, टायर बिल्कुल अब बन चुका है। अब थोड़ी देर में बस हम लोग निकलने वाले हैं। ये स्टेपनी जो है वो शायद टाइट हो रहा है। विकास, तो देखिए ये बच्चे हैं यहाँ स्कूल के जो फंस गए हैं, थोड़ा परेशान है। तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आप लोगों को ऐसा? बहुत खराब। आप लोग जंगल के बीच में है एकदम, इसके 5 किलोमीटर के आसपास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना ही होटल है, और मतलब जंगल के आसपास सिर्फ जंगली जानवर ही है और कुछ नहीं है। तो शायद आप लोग को, हाँ बोलिए, खाने का व्यवस्था के लिए हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो देखिए स्कूल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, और परेशान नहीं है, खुश है, बहुत खुश है, परेशान नहीं है। टीचर साथ है। देखिए एक तरह का इनके लिए ट्रिक है और ट्रिप है, एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। जोहार हजारीबाग, यस यस, वी आर वेरी यूट्यूब में, यूट्यूब में अपलोड कीजिएगा। लाइव है आप? लाइव चल रहा है। हेलो गाइस, हम लोग जंगल में फंसे हुए हैं। चैनल का नाम क्या? जोहार हजारीबाग। और एक शेयर कर दीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। और आपके रिश्तेदारों तक ये खबर पहुँचाइए कि 5 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। बहुत सही बना। जंगल में
यहाँ पे बच्चों से जब बात कर रहे हैं तो इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो एंजॉय कर रहे हैं, लोग पूरा मजा ले रहे हैं। अब मैं तो इसके लिए देखिए धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी स्कूल के टीचर्स को, साथ ही साथ मैं जोहार हजारीबाग को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप भी इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं कि डीएवी सिंदरी की टीम किस तरह से काम कर रही है। और देखिए टायर पंचर हो गया तो लगभग 6-7 लोग लगे हुए हैं, जो भी स्टाफ साथ में आए हैं डीएवी स्कूल से वो लोग टायर लगाने में लगे हुए हैं। आसपास कुछ भी नहीं है, होटल नहीं है, दुकान नहीं है, घर भी एक नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो ऐसे जंगल में जब फंसते हैं, अकेले रहेंगे तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ 50-60 लोग हैं तो किसी तरह से टाइम कट जा रहा है। तो देखिए महिलाएं भी हैं, आप बताइए मैडम, ऐसे कभी फंसी है पहले आप? नहीं सर, मैं पहली बार ऐसे। कैसा डर लग रहा है? थोड़ा देर तो डर लगा, हाँ। मगर फिर सब कोई थे तो फिर मेरे को लगा कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, हम आराम से। बिल्कुल देखिए इनको थोड़ा देर डर लगा, जाहिर सी बात है जंगल में तो हम लोग भी डर जाते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। बड़का गाँव का जंगल है, पहले नक्सलियों से भरा होता था, इतनी रात में इधर कोई नहीं आता था, अभी भी शायद नहीं आता, एक भी गाड़ी अभी तक क्रॉस नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बस है हम लोग की और एक सर की कार है, वही है। तो आज हम लोग हिंडेगिरी जंगल में फंस गए हैं, बच्चे यहाँ पे हैं जो स्कूल के हैं वो भी फंसे हुए हैं, परेशान हैं, पता नहीं हजारीबाग पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो यही अपडेट देना था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार, हजारीबाग।